अस्सलाम वालेकुम और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सैदास किचन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अब जब आम का सीज़न है तो कुछ स्पेशल बनता है, तो चलिए दोस्तों आज मैं आम यानी कि मैंगो की पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक बादाम आम लिया है मीडियम साइज़ का, आपके चॉइस का ले सकते हैं आम। अभी चलिए एक साइड मैंने ऐसे काट लिया है ताकि हम इसका पल्प निकालेंगे, मिक्सर जार में इसका पल्प अच्छे से निकाल लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है पल्प निकालने का। और दोस्तों, अगर आपको आम खा के बहुत ही बोर हो गया हो तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी और बहुत टेस्टी भी होगी। सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। अब इसे दूसरे साइड का पल्प भी निकालेंगे, साइड्स का पल्प भी निकालेंगे और जो बीन्स रहता है उसका पल्प भी निकाल लें। पल्प निकालने के बाद हम इसमें आधा कप चीनी मिला लेंगे, आप आपके हिसाब से चीनी मिला सकते हैं। और आधा कप इसमें हम दूध मिला लेंगे ताकि इसका पेस्ट बना लें। चलिए अभी इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। चलिए, जब आम का पेस्ट तैयार है तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध लिया है। उस दूध में मैं 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिला लूँगी। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं, मुझे कस्टर्ड का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने कस्टर्ड यूज़ किया है। अब चलिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, विदाउट लम्स हमें अच्छे से मिक्स करना है। चलिए आगे की प्रोसेस की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और आम का पेस्ट मिला लूँगी, साथ ही साथ मैं इसमें इलायची के दाने मिला रही हूँ। आप चाहे तो पाउडर भी मिला सकते हैं, इसका वेनिला एसेंस मिला सकते हैं या फिर सौंफ का पाउडर मिला सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना मिलाएं। चलिए अभी इसे अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से स्टिर करना है। देखिए बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अभी इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स मिला लूँगी, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं और उसका पाउडर बना के भी मिला सकते हैं। आम के साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स का अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल किए हैं। हमारा मैंगो का मिक्सचर जो है पक रहा है, तो इसी बीच हम इसमें कस्टर्ड का जो घोल बना के रखा था उसे मिला लेंगे, या फिर आप अगर कॉर्नफ्लोर का घोल बना के रखा है तो उसे मिला लें। मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लें, मिक्स करके अच्छे से स्टिर कर लें क्योंकि लम्स बनना चालू हो जाएंगे कस्टर्ड पाउडर मिलाने के बाद। अच्छे से इसे चलाना है, चलाइए 5 मिनट के लिए पकाइए, उसके बाद खुद बहुत थिकनेस आ जाएगी। थिकनेस आने के बाद आपको चेक करना है, देखिए कोई लम्स नहीं बने हैं। इसके बाद चलिए हम गैस को ऑफ कर लेंगे और तुरंत ही हमें इसे मोल्ड में डाल देना है। मैंने यहाँ पर स्टील की कटोरी यूज़ की है, आप चाहे कोई भी मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे ग्रीस करके ऐसे ऐसे सारे मिक्सचर को ऐसे डाल देना है और ऐसे सेट कर लें और टैप कर लें। आप आपके हिसाब का मोल्ड ले सकते हैं कोई भी डिज़ाइन का, बहुत ही बेहतरीन पुडिंग आएगा आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 या 2 घंटे के लिए ठंडे के लिए रख दिया था। चलिए अभी इसे हम प्लेट में फ्लिप करके देखेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा पुडिंग निकल चुका है मोल्ड से, तो आप देख सकते हैं हमारा पुडिंग जो है एकदम शाइनी और कलरफुल लग रहा है, बिना एडिड कलर्स और बिना जेलेटिन यूज़ किए हमारा पुडिंग जो है जेली जैसा तैयार है। तो अभी चलिए हम पिस्ता से गार्निश कर लेंगे या फिर आप पुदीने के पत्ते से भी गार्निश कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एकदम टेस्टी सा पुडिंग तैयार हो चुका है। चलिए अभी देख लेते हैं टेस्ट करके पका हुआ है नहीं। देखिए अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं आसानी से निकल गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम ये जेली जैसा लग रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी बनी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और शेयर करना ना भूलें।